मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। कटिहार जिले के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के आजमनगर प्रखंड अंतर्गत बघूड़ा पंचायत के पस्तिया गांव की रहने वाली स्कूली छात्रा माहेनूर की 24 मई के शाम किसी के द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनकी मौत पर लगातार आम लोगों से लेकर जनप्रतिनिधि सभी उन्हें न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और जगह जगह पर उन्हें श्रद्धांजलियां भी दी जा रही है। बताते चले कि बायसी थाना क्षेत्र के सुगवा महानंदपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि इंजीनियर राशिद रजा की अगुवाई में सुगवा महानंदपुर समिति सदस्य अश्वर रजा, बायसी पंचायत के मुखिया मोहम्मद रमजान अली, खबरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद शाहनवाज आलम सहित दर्जनों जन प्रतिनिधियों के समर्थन के साथ पूरे बायसी प्रखंड के हजारों नवयुवक एवं बाजार के लोगों ने बायसी हाई स्कूल के प्रांगण से बायसी पूरक चौक हॉस्पिटल बायसी प्रखंड अनुमंडल थाना होते हुए बायसी पश्चिम चौक से वापस तंजीम मदरसा के पास तक कैंडल मार्च निकालकर कोहिनूर की आत्मा को शांति के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा सभी ने वी वांट जस्टिस और माहेनूर के अपराधी को फांसी दो की आवाज को बुलंद करते हुए कटिहार प्रशासन मुर्दाबाद का नारा लगाया और माहेनूर के अपराधी को फांसी दिलाने के लिए मांग की। इस कैंडल मार्च में हजारों स्थानीय लोगों व राहगीरों ने भी शामिल होकर माहेनूर को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज बुलंद की। पूर्णिया बायसी से मनोज कुमार की रिपोर्ट। दुखदायक है और काफी पीड़ादायक ऐसा देखा जाता है कि जिस जिले से हुआ है उसी जिले से आपके मुख्यमंत्री है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? काफी खेद का विषय है। जैसा कि मैंने कहा था, सिर्फ माहेनूर की बात नहीं है, जैसा कि देश में आपका गुलनाज के साथ हुआ, आसिफा के साथ हुआ, निर्भया कांड हुआ, उसके बाद आपका मनीषा के साथ है, देश की सैकड़ों बेटियां हजारों बेटियां ऐसी। क्या लग रहा है कि आप लोग के कैंडल मार्च सरकार सुनेगी और इसको हम लोग रोक पाएगी? ये भारत है जो क्या आरोपियों को यहाँ का पुलिस का डर नहीं है? जी यही, अगर आरोपियों को लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ दिल से खत्म हो चुका है, जिसके वजह से जो है ये आरोपियों का अपना दिन ब दिन जो है तांडव मचाते जा रहे हैं, तो मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूँ और पुलिस प्रशासन से भी निम्रता से निवेदन है कि आप अपना जो है आरोप और जो आरोपियों के दिल में अपना खौफ बैठाएं, और जो माहेनूर के साथ घटना हुआ है, माहेनूर और मनीषा के साथ ऐसे ऐसे जो देश के सैकड़ों बेटियों के साथ हुआ है, ये ना हो। अपना नाम बताइए सर। मैं मोहम्मद शाहनवाज, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत खपरा। दिलाने के लिए क्या क्या आप लोगों ने मांग रखा, कहां से कहां तक कैंडल मार्च निकाला, क्या लग रहा है सरकार आप लोगों की इस इतनी जो पुकार की है हजारों की संख्या में सुनेगी? ये जो हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं, माहेनूर ये लड़की पूरे सीमांचल, पूरे बिहार, पूरे भारत की ये बेटी है, सबकी बहन है। ये कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड के बघोड़ा पंचायत के पस्तिया गांव की रहने वाली है माहेनूर, जिनका बीते 4 दिन पहले बलात्कारियों ने बलात्कारी करके, गैंगरेप करके इनका हत्या कर दिया गया। और लगातार आजमनगर, कदुआ, पूरे कटिहार जिला, किशनगंज जिला, पूर्णिया जिला, सब जगह कैंडल मार्च से लेकर के ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। एक बार प्रशासन, कटिहार प्रशासन के द्वारा कहा गया जो ये रेप नहीं है, आत्महत्या है, लेकिन जब धरना जोरों शोर से होने लगा, क्योंकि आप सीमांचल के लोग जाग गए हैं, आजमनगर के लोग जाग गए हैं, बायसी के लोग जाग गए हैं, तो एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया, दोबारा ये बॉडी को, डेड बॉडी को ये भागलपुर भेजा गया। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है। आज 10 बजे दिन के 10 बजे आज मिट्टी मिजिल हो गया, दफना दिया गया लाश को, लेकिन अभी तक हत्यारे को सजा घोषित नहीं हुआ है। हम लोग सुनने में आ रहे हैं एक आरोपी को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी नहीं, हम लोग चाहते हैं माहेनूर के कातिल को फांसी दो। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हो गया इंजीनियर राशिद रजा, मुखिया प्रतिनिधि सुगवा महानंदपुर। कितने लोगों की जमावड़ा लगी थी आपको सपोर्ट समर्थन में? यहाँ ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बायसी, जो आपको प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है बायसी, वहाँ से लेकर के हम लोग पश्चिम चौक होते हुए अभी तंजीमुल मुस्लिमीन के आगे आकर के इसको हम लोग समाप्त किए। और यहाँ के लोगों का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जो बायसी के लोग अब जागरूक हो गए हैं, अपना हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, अपनी बहन बेटियों को हक दिला सकते हैं। बोले क्या कहना चाहते हैं? अभी माननीय हमारे PM साहब बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर ये देख रहे हैं ऐसी बेटी पढ़ाओ ये बचाने से कुछ नहीं होगा। अब हमारे बहन को और स्कूल में कैसे पढ़ाएं ताकि ये बलात्कार किया जा रहा है? जी बताइए कि अभी जो लगातार बेटियों का बलात्कार हो रहा, अलग अलग जिलों में ऐसे इस तरह की खबरें आ रही है, आखिर क्या वजह है कि पुलिस का डर आरोपियों को नहीं लग रहा? देखिए, ये जो बलात्कारी है, अपराधी है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। आखिर मनोबल क्यों बढ़ा, किसके वजह से बढ़ा? कठोर सजा नहीं मिल पाती है,
तो मेन हम लोग का आज मकसद है, जो प्राणपुर की बेटी है आजमनगर प्रखंड की, उसको चार दिन पहले कुछ लोगों ने अगवा करके उनको रात भर सामूहिक बलात्कार किया गया और उसको फिर सुसाइड दिखाने के लिए उसको फांसी के फंदे से लटका दिया गया। वो इतनी होनहार थी कि इस बार उसने मैट्रिक का परीक्षा दी थी, वो उसमें फर्स्ट डिवीजन पास होकर वो आगे पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इन दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार करके उसको जान से मार दिया। क्या सरकार को कुछ नया कानून बनाना चाहिए ताकि? जी बिल्कुल बनाना चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल होकर इसको जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई हो। क्या आप भी अपने